आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका टाइटल से तो आप समझ गए होंगे, और मैं आज बताने वाला हूँ सिड्स पाथ के बारे में। बहुत सारे लोग जिनको मोशन के रास्ते में प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, जो भी हुआ हो, ऑपरेट हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने एडवाइस किया है, तो सभी लोग सिड्स पाथ करते हैं, यानी गर्म पानी की सिकाई, गर्म पानी के टब में बैठते हैं। लेकिन गर्म पानी के टब में बैठना कितना है और कितनी देर बैठना है, कितना पानी गर्म होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत क्लियर नहीं होती हैं। बस लोग जो हैं ऐसे ही पानी भरते हैं टब में, बैठ जाते हैं, कुछ लोग गुनगुने पानी का कपड़ा गीला करके उससे सिकाई कर लेते हैं, कुछ लोग बॉटल से सिकाई करते हैं, कुछ लोग हॉट वाटर बॉटल से जो ठंड में जिसको रखते हैं उस बॉटल से सिकाई कर लेते हैं, तरह तरह के, कुछ लोग भाप से सिकाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सिड्स बाथ जो होता है गुनगुने पानी की सिकाई है ना, गुनगुने पानी में अपने को बैठना है, उसको सिड्स बाथ बोलते हैं। अब उसको किस तरह से बैठा जाता है, तो अगर आपको सिड्स बाथ करनी है तो एक आप बड़ा टब लीजिए, आप अपनी हेल्थ हाइट जानते हैं ठीक है, उस हिसाब से आप एक बड़ा टब लीजिए। मैं बड़ा टब इसलिए बोल रहा हूँ कि टब इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आप आराम से बैठ सकें ठीक है, मसल्स रिलैक्स होना चाहिए, अपने को वहाँ पे अनकंफर्टेबली नहीं बैठना है, एकदम रिलैक्स बैठना है ठीक, थोड़ा सा फैल के आराम से बैठना है, तो उसके लिए अपने को बड़े टब की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, ये बैठने का तरीका क्या है, पांव बाहर रहते हैं, हाथ बाहर रहते हैं और कमर जो है वो पानी के नीचे रहती है, तो इस तरह का टब आप लें, इतना बड़ा टब लें आप जिसमें आप आराम से बैठ सकें। दूसरी बात ये कि अब उस टब की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो अगेन आपको मालूम है कि आपका बॉडी बिल्ड कैसा है, आपकी हेल्थ हाइट कैसी है, उस हिसाब से आप गहरा टब लीजिए जिसमें बैठने के बाद पानी आपकी नाभि तक आए ठीक है, आपकी कमर उसमें अच्छे से डूबे और आप आराम से बैठें ठीक है, तो जितनी कमर की जितनी भी मसल्स हैं उस सभी की सिकाई अच्छे से हो, प्लस मोशन के रास्ते की तो हो ही, खैर वो तो बात अच्छी है, लेकिन अदर अगल बगल की जितनी मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स होना ज़रूरी है, तब आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक है। तो पहली बात ये हो गई कि आपको बड़ा टब लेना है जिसमें आप आराम से बैठ सकें, दूसरी बात ये कि इतना गहरा होना चाहिए कि जब आप पानी भरें तो पानी आपकी नाभि तक आए, तो बढ़िया, उसमें आप 10 मिनट सिकाई करो, गुनगुने पानी में आप 10 मिनट बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट में उसको जितना रिजल्ट आना होता है आ जाता है, आप आधे आधे घंटे पौन पौन घंटे बैठेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, अगर आप ठंड का मौसम और आपको अच्छा लग रहा है तो चलो ठीक है 15 मिनट बैठ लिए कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी और टेम्परेचर कितना होना चाहिए पानी का, तो देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कुछ लोग 45 डिग्री बोलते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मतलब पक्का नहीं है, तो इसलिए पानी उतना गर्म रखें जितना आप सह सकें, जितने में आपको अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में बैठेंगे तो मोशन के रास्ते को नुकसान हो जाएगा, वहाँ की जो स्किन है वो इतना गर्म पानी सहने के लिए बनी नहीं है, तो पेरिनल स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, तो अपने को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं बैठना है, अपने को नॉर्मल गुनगुने पानी में, जितने पानी में आप नहाते हैं, आप ऐसा मोटा एक हिसाब मैं आपको बता दूं, जितने गर्म पानी में ठंड में आप नहाते हैं उसी गुनगुने पानी में आप बैठ सकते हो ठीक। फिर उस पानी में कुछ मिलाना है या नहीं मिलाना है, अगेन उस पानी में कोई दवा मिलानी है या नहीं मिलानी है वो डॉक्टर साहब पे डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की आपको डिजीज़ है, उसमें कोई मेडिसिन मिला के सिकाई करना है ये एडवाइजेबल है, मतलब एडवाइस के बाद ही करना है क्योंकि वो सबके लिए नहीं होता है, तो अगर आपको कुछ नहीं मतलब किसी ने बोला है या आप अपनी मर्जी से भी गुनगुने पानी की सिकाई करना चाहते हैं, अगर आप सिट्स बात करना भी चाहते हैं तो अगेन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह की मेडिसिन मिलाना आपको अलाउड नहीं है क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग जैसे देखते हैं तो हमको लगता है कि अगर कोई मेडिसिन की वहाँ पे ज़रूरत है तो फिर हम उसमें कुछ बोलते हैं मिलाने के लिए कि ये मिला के आप सिकाई कर, लेकिन आपको यदि घर में सिकाई करनी है और अपने मर्जी से करनी है तो उसमें कोई चीज़ नहीं मिलानी है, कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है, यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी कह दे, आपको अपनी मर्जी से उसमें कुछ नहीं मिलाना है ठीक है, आपको सिकाई करनी है तो गुनगुने पानी, सादे गुनगुने पानी की 10 मिनट आप उसमें बैठ जाओ, टब आप गहरा ले लो जिसमें पानी आपकी नाभि तक आए, टब आप बड़ा ले लो जिसमें आप आराम से बैठ सको, रिलैक्स बैठ सको, और पानी में बैठने के बाद गहरी गहरी सांसें लेना है अपने को, लंबी सांसें लेना है ठीक है, ऐसे करके खूब, आप जितना आपका आपके बस में हो, जितने में आपको थकान ना हो, बीच बीच में आप इस तरह से करते रहें, तो यदि आप ऐसा करेंगे ना तो आपको सबसे बेस्ट सिट्स बात के रिजल्ट्स मिलेंगे है ना, और जो भी आपके मोशन के रास्ते में प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। तो
तो मुझे इस वीडियो में बस आपको यही बताना था कि सिड्स बात किस तरह से की जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम सिड्स बात कैसे करते हैं। और नॉर्मली बस यही है कि गुनगुने पानी में बैठना है। और मैं बता दूं, दूसरी तरह की सिकाई आपको नहीं करना, कोई भी ड्राई सिकाई आपको नहीं करना। मैं तो अपने पेशेंट्स को कभी भी ड्राई सिकाई नहीं बोलता हूँ, ना गीले कपड़े की सिकाई बोलता हूँ, ना पानी के बॉटल की सिकाई बोलता हूँ, ना भाप की सिकाई बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता। सिड्स बात मतलब सिड्स बात, गुनगुने पानी में बैठना है, बस वही वही है सिकाई के लिए। और अपने को किसी तरह की सिकाई उसमें नहीं करना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम जो है फिर कुछ की कुछ वो अपने को नहीं करना इस तरह के काम, ठीक है। तो सिड्स बात को कुछ लोग बोझ भी समझते हैं, अरे यार पानी में कौन बैठे, अपन तो ऐसे सिकाई कर लेते हैं, सिकाई ही तो करना है। सिकाई करने के तरीके पे बहुत डिपेंड करता है, प्रॉब्लम किस तरह की और उसमें कैसी सिकाई करना है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें सूखी सिकाई होती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें गीली सिकाई होती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी जिसमें आप बॉटल रख सकते हैं, बहुत ये अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना अपने को, जो आपके लिए सेफ है, जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बस वो यही है कि गुनगुने पानी के टब में आप बैठ लीजिए। टब आपका गहरा होना चाहिए, पानी आपकी नाभि तक आना चाहिए, टब इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आप आराम से बैठ सको और पानी में बैठ के गहरी गहरी अपने को सांसें लेनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे बस आपको इतना ही बताना था, और अगले किसी वीडियो में फिर से मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके बड़े काम की रहेगी और नॉलेजेबल भी रहेगी, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।